सो गाइस, इस वीडियो में जब हम कंपेयर करने वाले ओप्पो रेनो 4 प्रो को और उसके सामने रखे वन प्लस नॉट को, ये दोनों के दोनों स्मार्टफोन मार्केट में चीख रहे, दोनों के दोनों दमदार स्मार्टफोन है। इस वीडियो में इन दोनों स्मार्टफोन की कंपैरिजन करके बताने वाला। आप सब लोग कमेंट करके पूछ रहे थे ये दोनों स्मार्टफोन से कौन सा बेटर होगा आपके लिए, तो आपको पता चलने वाला है। तो इस वीडियो को एंड तक ना, प्लीज़ एंड तक ना, बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है, एंड तक ना। और इफ अगर आप चैनल में नए आए हो, चैनल को अभी का भी सब्सक्राइब कर लो ना, बाजू में बेल आइकन दबाओ, वीडियो को सारे नोटिफिकेशन आपको मिलने चाहिए। गाइस दोस्तों, अब बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन की कंपैरिजन की। स्टार्ट करते दोनों के डिस्प्ले से। दोस्तों यहाँ पर ओप्पो में यहाँ पर आपको 6.5 इंच की डिस्प्ले मिलेगी, सुपर एमोलॉइड डिस्प्ले मिलेगी, साथ में यहाँ पर आपको 90 हर्ट्ज की डिस्प्ले मिलने वाली है। यहाँ पर आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैन होगा, गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोडक्शन होने वाला है, और यहाँ पर आपको सिंगल पंच होल डिज़ाइन वाला मिलने वाला है, साथ में कर्व डिस्प्ले भी होगा ओप्पो का रेनो 4 प्रो के। तो डिस्प्ले कमाल का है यहाँ पर। उसी तरह वन प्लस नॉट की बात करें, यहाँ पर भी डिस्प्ले ख़राब नहीं है, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें कम है यहाँ पर। यहाँ पर फर्स्ट थिंग, यहाँ पर आपको 6.4 इंचेस का डिस्प्ले मिलता है। यहाँ पर भी आपको फुल एच डी प्लस डिस्प्ले है, सुपर एमोलॉइड डिस्प्ले है, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है, 90 हर्ट्ज की डिस्प्ले यहाँ पर भी दिए, बट यहाँ पर आपको डुअल पंच होल डिज़ाइन मिलता है, प्लस यहाँ पर आपको फ्लैट डिज़ाइन मिलता है, कोई भी आपको कर्व नहीं मिलता है। तो ये चीज़ आपको सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी। अभी सबका अलग अलग प्रिफ्रेंस होता है, किसको वन प्लस का डिज़ाइन अच्छा लगेगा, किसी को ओप्पो का डिज़ाइन, अभी सबका अलग अलग चॉइस होता है। मेरे हिसाब से मेरे को डिज़ाइन थोड़ा ज़्यादा ओप्पो का अच्छा लगा, आपको किसका अच्छा लगा बताओ कमेंट सेक्शन में। ये तो बात की इन दोनों के डिस्प्ले के बारे में। स्टार्ट करते हैं कैमरास के बारे में। यहाँ पर फ्रंट में दोनों में अलग अलग बात है। ओप्पो में यहाँ पर को सिंगल सेल्फी शूटर दिया गया 32 MP का, उसमें से आप अच्छे सेल्फीज ले पाओगे। उसी तरफ यहाँ पर वन प्लस नॉट के अंदर यहाँ पर डुअल कैमरा है, यहाँ पर 32 MP का प्राइमरी सेंसर है और 8 MP का अल्ट्रा वाइड एंगल सेंसर है। तो फ्रंट सेल्फी डिपार्टमेंट में वन प्लस जीत जाता है, नो डाउट। बैक साइड में दोनों में यहाँ पर को क्वाइड कैमरा मिलेगा, दोनों में यहाँ पर प्राइमरी सेंसर 48 MP होगा। तो यहाँ पर हम कंपेयर नहीं करेंगे मेगापिक्सल्स को लेकर, क्योंकि जैसे सैंपल्स आएगी तभी हमें पता चलेगा। तो कैमरा कंपेरिजन फिलहाल हम स्किप कर रहे हैं। बात करें आगे वेरियंट की, यहाँ पर वेरियंट में भी अलग अलग बात है। ओप्पो रेनो 4 प्रो में यहाँ पर बता जा रहा है 8 GB की रैम होगी या 256 GB की इंटरनल स्टोरेज होगी, और एक हायर बैंड आ सकता है जिसमें आपको 12 GB की रैम मिलेगा, 256 GB इंटरनल स्टोरेज मिल सकती है। यहाँ पर ओप्पो रेनो 4 प्रो की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर वन प्लस नॉट में यहाँ पर टोटल 3 वेरिएंट आते हैं। बेस वेरिएंट यहाँ पर आपको 6 GB 64 GB के साथ आता है, मिड रेंज वेरिएंट आता है 8 GB 128 के साथ, और जो सबसे टॉप वेरिएंट है 12 GB 256 GB के साथ आता है। बट यहाँ पर वन प्लस में आप कोई भी माइक्रोएड कार्ड नहीं लगा सकते, तो कोई भी एक्सपेंड करने का आपको स्लॉट नहीं मिलता है। बट यहाँ पर ओप्पो के अंदर यहाँ आपको माइक्रोएड लगाने का स्पैंड मिल जाता है, ये आपको प्लस पॉइंट मिल जाता है। तो नो डाउट मैं यहाँ पर ओप्पो को प्लस मानूंगा वेरिएंट में मामले में। बात करें प्रोसेसर की, ये चीज़ गौर से सुनना, प्रोसेसर दोनों में अलग है। फर्स्ट थिंग बात करें वन प्लस नॉट की, यहाँ पर वन प्लस नॉट में आपको स्नैपड्रैगन 765G मिलता है, 5G सपोर्टेड पावरफुल प्रोसेसर मिलता है। और उसी तरफ ओप्पो रेनो 4 प्रो में यहाँ पर प्रोसेसर मिलता है स्नैपड्रैगन 720G मिलता है। देखो ये प्रोसेसर अच्छा है ओप्पो वाला भी, और वन प्लस का तो कुछ ज़्यादा ही अच्छा है। वन प्लस का 5G सपोर्टेड प्रोसेसर है, बट यहाँ पर ओप्पो में 4G प्रोसेसर मिलता है, अच्छा खासा बैलेंस प्रोसेसर मिलता है, मतलब कम ही मिलता है, थोड़ा सा ही कम मिलता है, बट ये 4G होता है। तो नो डाउट वन प्लस यहाँ पर प्रोसेसर डिपार्टमेंट में जीत जाता है मेरे नज़र में। बात करें बैटरी की, बैटरी बहुत कमाल की है यहाँ पर। यहाँ पर ओप्पो में यहाँ पर को 4000 mAh बैटरी होने वाली बताई जा रही है, लेकिन यहाँ पर चार्जिंग जो स्पीड होगी 65 W होगी गाइस, 65 W। तो कितनी स्पीडली आपका स्मार्टफोन चार्ज होने वाला है तो आप सोच सकते हो। उसी तरफ बात करूँ वन प्लस नॉट की, यहाँ पर आपको 4100 mAh बैटरी मिलेगी, बट यहाँ पर आपको 30 W की यहाँ पर फास्ट चार्जिंग मिलेगी, मतलब 50% यहाँ पर चार्जिंग स्पीड और कम है। तो चार्जिंग के मामले में ओप्पो को मैं मानूंगा, आप किसको मानोगे बताओ कमेंट सेक्शन में। खुला है दोनों में लेटेस्ट एंड्रॉयड 10 मिलता है। ये तो थी दोनों की हार्डवेयर स्पेसिफिकेशंस की। फिलहाल दोस्तों मैं आपको पहले ही क्लियर करना चाहता हूँ, अभी तक ओप्पो रेनो 4 प्रो इंडिया में लॉन्च नहीं हुआ। जब तक मैं वीडियो बनाना है, इनिशियल टाइम में जितनी इन्फॉर्मेशन है उस बेसिस में आपको मैं एक आइडिया दे रहा हूँ कौन सा बेटर होने वाला है। लॉन्च होने के बाद तो मैं अच्छे से आपको वीडियो बना के प्रोबेबली बताने वाला हूँ आप सबको। बात करें आगे दोनों की, डिज़ाइन तो आपको पता है, बैक साइड में दोनों में 4 कैमरास मिले। डिज़ाइन के बारे में हम बात नहीं करेंगे, सबका अलग अलग प्रेफरेंस होता है। फ्रंट डिज़ाइन तो मैंने आपको पहले ही बात कर दी। मेन बात करते हैं प्राइस के बारे में। जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पर ओप्पो रेनो 4 प्रो इंडिया में अभी तक लॉन्च नहीं हुआ है, तो इसकी प्राइस के बारे में कंफर्म बता नहीं सकता, लेकिन वन प्लस नॉट यहाँ पर इंडिया में लॉन्च हो चुका है। इसके 3 वेरिएंट है,
बेस ब्रांड की प्राइस है, 6GB वाले ब्रांड की प्राइस है यहाँ पर 24,999 रुपीस रखी गई है। 8GB वाले ब्रांड की प्राइस है 27,999 रुपीस रखी गई है। और जो टॉप वेरियंट है 12GB रैम वाला वेरियंट, उसमें आपको मिलता है यहाँ पर 29,999 रुपीस मिलते हैं यहाँ पर वन प्लस की प्राइसिंग है। और यहाँ पर ओप्पो अभी तक लॉन्च है तो इसके प्राइस के बारे में कन्फर्म बता नहीं सकता। इफ़ अगर ओप्पो ने अच्छे प्राइस में, एकदम एग्रेसिव प्राइस में स्मार्टफोन को लॉन्च किया तो ये कम्पीट कर पाएगा वन प्लस की तरफ, नहीं तो ये पीछे रह जाएगा, सीरियसली पीछे रह जाएगा। इसके एक्सपेक्टेड प्राइस है 25,000 से 35,000 रुपीज़ के करीब ये स्मार्टफोन दिख सकता है इंडिया मार्केट में। अभी तक कोई कन्फर्मेशन नहीं है तो फिलहाल वेट करते हैं। यहाँ पर ओप्पो रेनो 4 प्रो यहाँ पर इंडिया में लॉन्च होने वाला है, 31 जुलाई को इंडिया में लॉन्च होने वाला है। और यहाँ पर वन प्लस नॉट लॉन्च हो चुका है, आप जाके इसको प्री बुक भी कर सकते हो और बाय भी कर सकते हो, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। अगर आप वीडियो देख रहे हो तो वीडियो के एंड में एक बार डिस्क्रिप्शन पक्का चेक करना, डिस्क्रिप्शन में जो भी लेटेस्ट अपडेट रहेगी मैं प्रोवाइड कर देगा, और बाइंग लिंक दोनों स्मार्टफोन की आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो जाके सपोर्ट करो, डिस्क्रिप्शन से बाय कर लेना, आपको जल्दी पहुंच जाएगा। आपके हिसाब से कौन सा स्मार्टफोन आपके हिसाब से विनर है इन दोनों में से बताओ यार कमेंट सेक्शन में, सबका अलग। अभी मैं थोड़ा कंफ्यूज हूं क्योंकि जब तक प्राइस नहीं आएगा तो मैं किसी एक को विनर नहीं मान पाऊंगा। आप इनिशियल टाइम में किसको विनर मानते हो कमेंट करके बताओ, और आप क्या चाहते हो इन दोनों स्मार्टफोन को मैं किसके साथ और कंपेयर करूं, कमेंट करो जो दिल में है कमेंट कर देना। साथ में इस वीडियो को लाइक कर दो, आपके मन में जितने भी लाइक्स है लाइक कर दो, आज दिल खोल के लाइक करना। इफ अगर आप चैनल में नए आए तो सब्सक्राइब कर लेना, बाजू में लगा दब लेना, वीडियो के साथ नोटिफिकेशन आपको मिलने चाहिए। दोस्तों मेरा नाम है इमरान, आप धैर्य टेकिंग इमरान, तो इस तरह के साथ मैं फिर से हाजिर होगा, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।